ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है, और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। आप भी देख रहे हैं, जिस देश में नागरिकों में अपने सामर्थ्य को लेकर आत्मविश्वास आ जाता है, वो सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। भारत में भी आज यही हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय था जब कुछ नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है। ये लोग सोचते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस देश में नहीं चल पाएगी, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के यूपीआई की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खास करके गल्फ के देशों में, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं, और उनको जो पहले खर्च होता था उसमें से बहुत कमी आ गई है। और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रिवॉल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे इंप्लीमेंटेशन मॉडल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ सरकार की है ऐसा नहीं है। इस सफलता में आप सभी मीडिया के लोगों की भी सहभागिता है, और इसलिए ही आप सब बधाई के भी पात्र हैं।